हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम जिस वीडियो पे देख करने जा रहे हैं वो है मौलाना तारिक जमील जी की वीडियो। और इसमें बोला है उन्होंने कि क्या होगा उन लोगों के साथ जो प्रे नहीं करते हैं, जो इबादत नहीं करते हैं ना, या फिर ऐसे लोग जो एथिस्ट है ना, तो उन लोगों के साथ क्या होगा। और मुझे ऐसे लगता है कि यार जो हमारे प्रे है ना, जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसके बहुत ज्यादा फायदे हैं। सही बात। आप साइंटिफिकली भी देख लो तो एक तो आप ना मेडिटेट, वो काइंड ऑफ मेडिटेशन ही है, ठीक है। दूसरा ये कि आपको जो आप मानो ना मानो, जब आप प्रे करो आपके थॉट्स में बहुत चेंज आते ही आते हैं, ठीक है। और वो आप बहुत पॉजिटिव हो जाता है, आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है, आप ये भी देख लेना कि जिस घर पे बहुत ज्यादा सफाई होगी, जिस घर पे ना पूजा होती है, चाहे वो बहुत कम होती है, भगवान का नाम बहुत कम लिया जाता है पर होती है, ज्यादा नहीं तो धूप ही जला दिया सुबह शाम, ठीक है। उसमें देखना वहां का ऑरा ही उस घर का, उसकी बहुत ज्यादा पॉजिटिव होता है उस घर का। और वही जो जो घर बहुत ज्यादा गंदा हो, जिसमें सफाई ना हो, है ना, जहाँ पूजा नहीं होती, उसका घर का ऑरा बहुत ही बुरा होता है, नेगेटिव होता है। या देखिए वही चीज आ जाती है ना कि आई फील कि जो एथिस्ट भी होते हैं, है ना, वो कहीं ना कहीं एक सुपर नेचुरल पावर बीइंग में तो बिलीव करते हैं। दे जस्ट डोंट वांट टू बी लाइक दिस कि हाँ हम एक भगवान में बिलीव करते हैं ये। और वो चीज मुझे समझ नहीं आती, ठीक है, तुम आपको किसी एक पर्टिकुलर रिलीजन को बिलीव नहीं करना है, दैट इज डिफरेंट, बट तुम किसी कोई भी अपनी प्रेफरेंस का भगवान ले लो, उसका प्रे करना, एंड आई फील प्रेइंग, जैसे तुमने कहा, मेडिटेशन का एक बहुत अच्छा अपना जरिया है कि तुम्हारे माइंड को ना क्लेंस कर देता है। जैसे मैं, मेरे को आदत है, मैं शाम को पाठ करती हूँ, तो वो एक मेरे को आदत है ना, तुम्हें को पता है कि उस टाइम पे मैं हमेशा रिलैक्स हो ही जाऊंगी, कोई भी दिन की टेंशन है वो एंड में जाके फ्री हो जाती है मेरे दिमाग से। वही अगर तुम बस यही करते रहोगे ना, हाँ ये भी करना है, ये भी करना है, और तुम्हारे पास एक भी टाइम नहीं है दिन में प्रे करने के लिए, अपने भगवान से कनेक्ट करने के लिए, अपने आप से कनेक्ट करने के लिए, तो वो चीज और ज्यादा तुम्हारे को अंदर से ना और ही स्ट्रेस करेगी। आई फील कि आज के टाइम पे तो वैसे ही लोग इतने हो गए ना कि वो दे विल डू पार्टी, दे विल यू नो वर्क एक्स्ट्रा, बट दे वोंट प्रे। और वो मुझे चीज नहीं समझ आती, बिल्कुल भी नहीं आती है। और मुझे ऐसा लगता है सोने से पहले कोशिश करना चाहिए कि हमें ना, या तो पाठ जैसे तुम करती हो, या फिर हमें नॉवेल्स पढ़ लो, बहुत रिलैक्समेंट मिलती है। बाकी जो भी होगा वो मौलाना तारिक जमील जी बताएंगे, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। जो सारी उम्मत के लिए रोता 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 दुनिया से उठ गया, और ऐसा रोया कि कोई नबी ना रोया, ऐसा तड़पा कि कोई नबी ना तड़पा, कि अल्लाह को हजारों दफा तसल्लियां देने के लिए जिब्रील भेजना पड़ा, कुरान भेजना पड़ा कि आप इतना गम क्यों करते हैं, आप इतना क्यों रोते हैं। एक दफा मैंने वो आयात जमा की थी जिनमें अल्लाह ताला ने अपने नबी को तसल्ली दी है, वो इतनी बन गई कि उनको लिखना मुश्किल होगा मेरे लिए। वो 100 से ज्यादा आयात बनती हैं जिसमें अल्लाह ताला तसल्ली दे रहा है, لعلك باخ نفسك الا يكون مؤمنين لعلك باخ نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ما أنت عليهم بوكيل لست عليهم بمسيطر ما أنت عليهم بجبار من كفر فلا يحزنك كفره ولا من كفر فلا يحزنك كفره ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون اس قسم کی آیات جن میں اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب اتنا غم نہ کر اس قدر غمگین اپنی امت کے لیے، اس کے باوجود آپ کا گلہ قرآن ہی میں سن لو، جب ایسے نافرمان جو کبیرہ گناہ کرتے کرتے مر گئے، اس بددیانتی میں، شرابوں کے پینے میں، نماز کے چھوڑنے میں، کبیرہ گناہوں میں غرق ہو کے مر گئے، تو یہی اللہ کا رسول جو ہمارے لیے رویا بھی، رسول قیامت کے دن جب دیکھے گا ہماری نافرمانیاں تو کہے گا یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، اے میرے مولا یہی ہے میری وہ امت جس نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا، میرے قرآن نے پکارا مسجد میں آؤ، انہوں نے مسجدوں کی راہیں چھوڑ دیں۔ مجھے بتاؤ یہ اتنا مجمع کہاں سے آ گیا ہے، یہ اس میں سے ایک تہائی باہر سے آیا ہوگا، یہ دو تہائی تو سارا گلستان کالونی کا ہے، ان کے قدم باقی پانچ نمازوں میں کیوں نہیں اٹھتے، یہ کہاں چلے جاتے ہیں، کیا یہ اللہ کی دھرتی پہ 8 دن نہیں رہتے، کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا رزق کھاتے ہیں، کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا پانی پیتے ہیں، یہ کہاں چلے جاتے ہیں، کیا یہ اللہ کی دھرتی پہ 8 دن نہیں رہتے، کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا رزق کھاتے ہیں، کیا یہ صرف 8ویں دن اللہ کا پانی پیتے ہیں،
क्या ये सिर्फ आठवें दिन अल्लाह की हवा के तनों तन अपने फेफड़ों में ले जाते हैं? क्या ये सिर्फ आठवें दिन अल्लाह के दिव्य नूर से देखते हैं? क्या ये सिर्फ आठवें दिन अपने कानों से सुनते हैं? क्या ये सिर्फ आठवें दिन अपने जिस्म की नेमतों से फायदा उठाते हैं? क्या ये सिर्फ आठवें दिन सूरज की रोशनी से नफा उठाते हैं? क्या ये सिर्फ आठवें दिन तारों की झिलमिलाहट से नफा उठाते हैं? क्या ये सिर्फ आठवें दिन अपने बी बच्चों के साथ बैठते हैं? इस पत्थर दिल को क्या हुआ? क्यों नहीं इसके दरवाजे पे दस्तक पहुंचती? ये क्यों वीरान हो गए? ऐसे तो पत्थर भी सख्त नहीं। अताउल्लाह शाह बुखारी कहा करते थे, ए हिंदुस्तान वालों, तुम्हें इतना कुरान सुनाया कि मैं सरसर को सुनाता तो सबा बन जाती, मैं पत्थरों को सुनाता तो मोम हो जाते, मैं दरियाओं को सुनाता तो तूफान थम जाते, और मैं मौजों को सुनाता तो उनकी तुगयानी रुक जाती। पता नहीं तुम किस मखलूक, किस चीज से बने हो, किस खमीर से बने हो। तुम्हारे सीनों में दिल नहीं है, पत्थर हैं, और पत्थर से भी ज्यादा कोई सख्त है। अशद कस्वतन मिनल हिजारा, पत्थर भी अल्लाह की हैबत से लरसता है और कांपता है। पर तुम कौन से इंसान हो, कैसे सीनों में दिल लिए फिरते हो कि पांच दफा इतना बड़ा बादशाह तुम्हें पुकारे, हैया अला सला, हैया अला सला। एक थानेदार पुकारे गुलिस्तान कॉलोनी का कि तुम्हारा समन है आ जाओ, तो सर पे पांव रख के भागे। डीसी पुकारे तो काम छोड़ के भागे। और तुम्हारा जमीन आसमान का बादशाह तुम्हें दिन में पांच दफा पुकारे और कानों पे जूना रेंगे, और आठवें दिन मस्जिद को आ रहे हो, क्या आठवें दिन खाना खाया है? क्या आज ही पानी पिया है? क्या आज ही चाय पी है? ये ऐसी जफा अपने आप से करते, शैतान से करते, मुल्क और माल से करते, अपनी दुकानों से करते, ये बेवफाई अल्लाह से क्यों की हुई है? जिस जमीन पे सजदा ना अदा हो, इससे बड़ा भी कोई जुर्म है? जिना करने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना जिना से बड़ा जुर्म है। रिश्वत खाने को गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना रिश्वत खाने से बड़ा जुर्म है। कत्ल करना बड़ा गुनाह समझते हैं, नमाज का छोड़ देना कत्ल से बड़ा जुर्म है। सजदे ही का तो इनकार किया था शैतान ने, शैतान ने कोई जिना किया था, कोई कत्ल किया था, कोई शराब पी थी, कोई जुआ खेला था, क्या किया था, कोई शिर्क किया था, शैतान सजदे का इनकारी हुआ। एक सजदे का इनकार करके वो हमेशा के लिए मर्दूद हो गया। उस मुसलमान को होश नहीं है जो रोजाना दिन में पांच दफा बीसियों सजदों का इनकार किए बैठा हुआ है, और फिर आराम से रोटी खाता है, आराम से चाय पीता है, और आराम से कह कह लगाता है, और आराम से अखबार पढ़ता है, आराम से बीवी के पहलू में लेटता है। एक सजदे का इनकार होकर शैतान हमेशा के लिए मर्दूद हुआ। जिसने फजर का इनकार किया सजदों का, फिर जोहर के सजदों का मजाक उड़ाया, फिर असर का मजाक उड़ाया, फिर मगरिब और इशा का मजाक उड़ाया। घर में नमाज पढ़ना भी चलो ना पढ़ने से तो बेहतर है, पर यह भी नमाज का मजाक ही है। और आठवें दिन सर पे टोपी रख के आया। आठ दिन जिसने इतने सजदों का इनकार किया, वो इस बात से नहीं डरता कि कहीं अल्लाह उसे मर्दूद ना कर दे। तो क्या होगा उस दिन जब जिन बच्चों की खातिर या जिस नफ्स की खातिर अल्लाह के बगावत की कि उठा नहीं जाता, आया नहीं जाता, गर्मी बड़ी है, सर्दी बड़ी है, अंधेरा बहुत है, क्या कब्र के अंधेरे याद नहीं है? क्या कब्र की गर्मी याद नहीं है? क्या जहन्नुम की आग भूल गए? क्या जहन्नुम के अजाब भूल गए? क्या जन्नत की नेमतें भूल गए? वो अल्लाह का कलाम भूल गए? वो अल्लाह का दीदार भूल गए? वो अल्लाह से मुलाकात भूल गए? वो महबूब खुदा की महफिल भूल गए? ये कैसा इस्लाम है? ये कैसे पत्थर दिल हैं जो कमाने में तो ऐसे मस्त हुए कि होश नहीं, और जब अल्लाह बुलाए तो ऐसे गाफिल हो जाएं? ना बूढ़े पर जूरेंगे, ना जवान को होश आए, ना किसी औरत को होश आए, ना किसी मर्द को होश आए, ना बाजार बंद हो। अरे मेरे भाइयों, हुकूमत से पैसा बचाने के लिए हड़तालें की, 20-20 दिन बाजार ना खोले, नमाज के लिए अगर दुकानें बंद करते तो आज अल्लाह ताला आपको हर जालिम से बाहर निकाल देता, कोई जालिम ना आपके माल पे हाथ डालता। एक बहुत इंफॉर्मेटिव है।
और इसमें यही बोला था कि जो आपका नमाज का इम्पोर्टेंस बताया था वो कितनी ज्यादा जरूरी है, पर उसमें ये भी बताया था कि जैसे मर्डर हो गया है ना और रेप हो गया, इन सारी चीजों से भी जो बड़ा गुनाह है वो है नमाज ना पढ़ना। तो मेरे लिए वो थोड़ा सा ऐसे था कि शॉकिंग भी था कि सही में ऐसा है क्या। फिर उन्होंने लेकिन जो शैतान वाला दिया था एग्जाम्पल की जैसे सैतन है ना, कि हमने चाहे तुम क्रिश्चियन बाइबल पढ़ लो है ना, क्रिश्चियन की बाइबल पढ़ लो या कुरान पढ़ लो है ना, उसमें भी ये लिखा कि जो सैतन है वो मतलब कि अल्लाह के सामने नहीं झुका था, उसने ऐसे माना था कि जबकि जो गॉड थे वो बहुत ज्यादा फेवरेट थे, मतलब सैतन उसका बहुत ज्यादा फेवरेट था गॉड का स्टिल, लेकिन जैसे उन्हें ही झुका तो फिर वही हुआ। तो मेरे को वो थोड़ा मेरे को झुंझोड़ने वाली बात लगी थी। हाँ पता क्या, मेरे को ये चीज जैसे तुमने बोला वो रेप वाला मेरा भी थोड़ा वो था, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे ये चीज अच्छी लगी जैसे उन्होंने कहा ना कि लोग अपनी शॉप्स बंद करने को नहीं राजी, उनको होता है कि भाई हमारा काम छूट जाएगा, धंधा छूट जाएगा। पता है जब मैंने ना कुछ लोगों देखा है, कुछ लोगों की डेडिकेशन बहुत ज्यादा है। अब ना जब मैं पीछे हैदराबाद गई थी, मैंने वहां पे देखा था मार्केट्स नमाज के टाइम पे सारी बंद रहती है उस एरिया की, लाइक एक शॉप नहीं खुली होगी, सब की सब बंद होगी, इवन इफ वो मुस्लिम है नहीं है, दे हैव दैट यू नो रिस्पेक्ट फॉर अदर रिलीजन ऑल्सो कि हाँ भाई कुछ लोगों ने नमाज पढ़ने जाना होता है तो इस टाइम पे सब अपनी शॉप्स बंद कर लेते हैं। वो चीज मुझे देखना बहुत अच्छा लगता है कि प्रोस्पेरिटी और एक वो हार्मनी है, पांच बार होता है तो वो चीज अच्छी लगती है। वही ना कि अगर तुम करना चाहते हो तो कुछ भी कर सकते हो, तो नमाज भी पढ़ने का टाइम निकाल सकते हो अगर तुम अंदर से करना चाहते हो, तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लगी। इफ यू हैव द विल टू डू समथिंग यू कैन डू इट। सीरियसली बहुत ही कमाल की वीडियो थी। तो गाइस यही था हमारा रिएक्शन, आपको हमारा रिएक्शन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय।